तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज योगेश खंडेलवाल, फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी गांधीनगर। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसको फास्टर तरीके से अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है लीनियर अप्रोच टू अटेम्प्टिंग पेपर। लीनियर अप्रोच क्या होता है? ये सबसे मोस्ट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है अटेम्प्ट करने का किसी पेपर को। इसमें क्या होता है कि जैसे पेपर आता है, जिस ऑर्डर में आता है क्वेश्चंस, जैसे 1 to 200, तो तुम उसी ऑर्डर में करते हो, उसको सीक्वेंस वाइज फॉलो करते रहते हो और जो आता है उसको सॉल्व करते रहते हो। और इसी का एक स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन क्या है कि पहले 5 मिनट तुम ये डिसाइड करो कि जैसे 3 पार्ट में डिवाइड है पेपर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो तुमने डिसाइड किया और देखा कि मुझे फिजिक्स सबसे इजी लग रहा है, उसके बाद बायोलॉजी इजी लग रहा है और फिर केमिस्ट्री इजी लग रहा है। तो तुम क्या करोगे, फिजिक्स को लोगे सबसे पहले, उसमें जो क्वेश्चन है उसको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते जाओगे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, और इस तरीके से फिर तुम अगला बायोलॉजी लोगे और अगला केमिस्ट्री लोगे। तो ये उसी का स्लाइटली बेटर वर्जन है। लेकिन इस अप्रोच के थोड़े प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कुछ इंडिविजुअल कट ऑफ होता है। तो तुम क्या कर जाओ, ओवर परफॉर्म कर जाओ एक वन सब्जेक्ट में, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में अंडर परफॉर्म कर जाओ, तो ये एक राइट अप्रोच नहीं है। और वाइल सोल्विंग द क्वेश्चन तुम क्या कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन में आ सकते हो कि तुम पूरा तुम करते तो रहे सॉल्व पूरा, लेकिन ऐसी सिचुएशन आएगी कि तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तुम एक ही सेक्शन का पूरी चीज अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन जो दूसरे सेक्शन में जो इजी चीजें थी या जो करने लायक चीजें थी वो तुम छोड़ दोगे इससे, तो इससे तुम्हारा बहुत लॉस भी हो सकता है। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि तुम एक दो बार इस अप्रोच से अपना सॉल्व करने का देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है, और फिर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा करते जाओ, और फिर देखो कि मतलब और भी अप्रोचेस है, मैं तुम्हें आगे बताता रहूंगा सबको, मतलब ट्राई करते रहो, तुम्हारे लिए जो बेस्ट सूट होगा उसको तुम ले सकते हो। तो ये मैंने तुम्हें फर्स्ट अप्रोच बताई जो कि लीनियर अप्रोच है। तुमने पहले देखा कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके का है और फिर तुम सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन करते रहे, और फिर मैंने इसका तुम्हें डिसएडवांटेज भी बता दिया। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।